कास्टिक सोडा और पानी को 3:17 के अनुपात में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। यदि इस घोल का कुल वजन 125 केजी हो, 125 केजी इसका टोटल वजन है, तो इसमें कास्टिक सोडा और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें अलग अलग पानी और कास्टिक सोडा की मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमने सवाल कुछ इस तरह से होगा कि घोल का कुल वजन बराबर कितना है, तो 125 केजी दिया है। कास्टिक सोडा और पानी का अनुपात 3:17 दिया हुआ है, तो कास्टिक सोडा की मात्रा, अब कास्टिक सोडा की अगर हमें मात्रा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि सोडा और पानी के अनुपात में से हम इसकी कास्टिक सोडा की अनुपात मात्रा निकालेंगे। तो कास्टिक सोडा का अनुपात में कितना हो गया, 3। तो इसको क्या करेंगे, 3 × 125 बटे टोटल का जोड़, अर्थात जो भी अनुपात दिया है वो 3:17 दिया है, तो इसका जोड़ हो जाएगा 3+17। अब इसको हल कर देंगे तो ये हल कुछ इस तरह से होगा, 3 × 125 / 20, अर्थात 17 + 3 = 20। अब 20 से 125 में भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 6.25। 6.25 का गुणा 3 में करने पर आंसर आ जाएगा 18.75। ये हो जाएगी इसकी कास्टिक सोडा की टोटल मात्रा। अब इसी तरह हम पानी की मात्रा ज्ञात निकालेंगे, तो पानी की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी, अनुपात में जो उठाएंगे 17। यहाँ पर सोडा की मात्रा अनुपात में हो गई 3, तो पानी की हो गई 17। तो इसको ले जाएंगे 17 × 125, अर्थात टोटल घोल की मात्रा थी 125, प्लस नीचे आपका चला जाएगा 3+17, अर्थात दोनों का जोड़ हो जाता है, तो 3+17। अब इसी तरह को हल कर लेंगे तो इसको हल करेंगे तो 17 × 125 / 20। अब 20 से 125 फिर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.25, और 6.25 × 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 106.25। ये हो जाएगी पानी की मात्रा। तो यही हमने सवाल में पूछा है, कास्टिक सोडा तथा पानी की मात्रा बराबर, यहाँ से हमने कास्टिक सोडा की मात्रा लिख ली 18.75 और पानी की मात्रा 106.25 के लिए। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अनुपात समानुपात का अगला जो सवाल है वह है, 1200 रुपया के लाभ को तीन व्यक्ति कौन है, का तीन व्यक्ति हमने मान लिए, का के बीच में 1:2:3 के अनुपात में धन को वितरित करना है, लगाना है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति का भागांश ज्ञात करना है कि कितने रुपया किस व्यक्ति को प्राप्त हुए 1200 रुपया में से, ठीक है। तो सवाल कुछ हम इस तरह से हल करेंगे कि कुल लाभांश बराबर हमारे पास कितना है, 1200 रुपया। कुल लाभांश हमारे पास है 1200 रुपया, का के अनुपात हो जाएगा 1:2:3। तो का प्राप्त लाभांश कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, का अनुपात है यहाँ पर 1, तो 1 × टोटल लाभांश यानी 12 टोटल का योग, यानी कि 1:2:3 बराबर 1+2+3, इनका जोड़ होगा। तो हल करेंगे तो 1200 रुपया एकदम 1200 टोटल का जोड़ करेंगे तो 6 × 12 अर्थात 200 रुपया का लाभांश प्राप्त हो जाएगा 200 रुपया। अब इसी तरह से हम खाका ज्ञात करेंगे तो खा के प्राप्त लाभांश बराबर कितना हो जाएगा, खा का हिस्सा है 2, तो 2 × 1200 / 1 × 2 / 3 यानी 12 × 24, 2400 × 6, 6 × 6 = 24, अर्थात 400 रुपया आपका खाका लाभांश आ गया। इसी तरह गाका प्राप्त लाभांश होगा, गाका प्राप्त लाभांश गाका अनुपात है आपकी 3, तो 3 × 1200 / 1 × 2 / 3 बराबर इसको हल करेंगे तो 12 × 36 / 6 × 6 = 36, अर्थात गाका प्राप्त लाभांश हो जाएगा 600 रुपया। ये जो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्रमशः प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाएगा 200, 400 और 600, ये तीनों का लाभांश हो जाएगा। इन तीनों तीनों का योग करेंगे तो आपको 1200 रुपया टोटल लाभांश प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर कहलाएगा, ये इसका आंसर है। तो अगला सवाल है कि 50 लीटर दूध से भरे एक बर्तन से 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया गया, पुनः 10 लीटर मिलावटी वाले दूध अर्थात यहाँ
मैंने मिलावटी वाले दूध निकाल कर पुनः उसमें पानी डाल दिया, अर्थात मिलावटी वाले में और मिलावट कर दिया, अर्थात 10 लीटर उसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये अनुपात समानुपात वाला सवाल है, तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि 50 लीटर दूध से भरे बर्तन से 10 लीटर दूध निकालने पर उसकी जगह पानी डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 50 - 10 अर्थात 40 लीटर। ये 40 लीटर क्या हो गया, दूध आ गया, दूध की मात्रा आ गई। अब सवाल को थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं कि पुनः 10 लीटर मिलावटी वाला दूध, अर्थात ये 40 लीटर दूध वाला मिलावटी दूध में से फिर से 10 लीटर हमने निकाल दिया, अर्थात पानी की मात्रा बराबर कितनी है, 10 लीटर। तो इसमें अनुपात हो जाएगा अपना दूध और पानी का अनुपात, अर्थात 40:10 बराबर 4:1। जो वर्तमान में 10 लीटर निकालने के बाद जो अनुपात बना है वो 4:1 का अनुपात बना है। अब पुनः सवाल जो कह रहा है कि 10 लीटर अर्थात मिलावटी दूध में से फिर से उन्होंने 10 लीटर निकाल दिया, पुनः 10 लीटर दूध निकालने पर इसका जो अनुपात होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 10 × 40/50। 50 यहाँ पर टोटल मात्रा आ गई, मिलावटी दूध आपका 40 है और 10 लीटर हमने इसमें से निकाल दिया, तो इसको हल कर दिया, 0 से 0 काटा, 5 × 10 और 2 × 8 अर्थात जो मिलावटी दूध है दूध निकाल लेने के बाद जो मिलावटी दूध है वह आ गया 8 लीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेष दूध कितना बचा आपके पास, शेष दूध की मात्रा अर्थात पहले थी 40 और अब हमने से 8 और निकाल दिया, 8 × 5 का ये हो गई 32 लीटर। 32 लीटर आपका दूध बचा है, लेकिन हमें तो मालूम था कि पहले ये है 50 लीटर, तो हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, पानी की मात्रा अर्थात पानी की मात्रा बराबर टोटल यानी 50 लीटर में से माइनस 32 लीटर कर देंगे तो 18 लीटर इसमें आ जाएगी पानी की मात्रा। तो अनुपात समानुपात बन जाएगा आपका दूध और पानी का अनुपात बराबर 32:18 अर्थात 16:9। इसको हल करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16:9, यही इसका आंसर हो जाएगा, दूध और पानी की मात्रा। इस सवाल में पहले हम क्या है कि यदि पांच दर्जन केलों का मूल्य 15 रुपए हो तो 25 दर्जन केलों का मूल्य क्या करना है। तो सवाल हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 5 दर्जन केलों का मूल्य उन्होंने दे के रखा है 15 रुपए और 25 दर्जन केलों का मूल्य वो पूछ रहे हैं। तो जो चीज पूछ रहे हैं अर्थात अज्ञात राशि को हमने मान लिया कि एक्स रुपया अज्ञात राशि है एक्स रुपया। अब इसको हम अनुपात संपात के नियम के अनुसार अनुलोम अनुपाती नियम के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो समानुपाती क्रम में इसके चौथे स्थान पर रखने पर अर्थात पहले होगा 5 दर्जन केलों का मूल्य उन्हें दे के रखा है 25 रुपए, 5 दर्जन केलों का मूल्य बराबर 15 रुपए और 25 दर्जन केलों का मूल्य उन्हें पूछा है तो एक्स रुपया। तो हमने क्या किया कि रुपए जो दर्जन है उनको हमने एक तरफ लिख दिया और मूल्य हमने एक तरफ लिख दिया अर्थात 5:25 समानुपाती 15:x। ठीक है, रुपए एक तरफ हो गया और संख्या एक तरफ हो गई। अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा के अकॉर्डिंग पहला लास्ट और दूसरा और तीसरा का इसका गुणा होता है। यहाँ पर ये हिसाब से आप समझ सकते हैं 5 × x बराबर 25 × 15। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 × 15/5। ठीक है, 25 से कट गया 15 × 5 = 75 अर्थात एक्स बराबर हो गया आपका 75 रुपया। यही हमें जानना था, हमें तो मालूम है अज्ञात राशि है रुपया है, तो एक्स बराबर आ गया आपका 75 रुपया अर्थात 25 दर्जन केलों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 75 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर।